ईरानी विदेश मंत्री जावद जारिफ ने पाकिस्तान चीन को चाबहार पोर्ट परियोजना में भारत के साथ आमंत्रित किया। ईरान के विदेश मंत्री जावद जारिफ ने पाकिस्तान को चाबहार पोर्ट परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो कि भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप से जोड़ता है। एक अग्रणी पाकिस्तानी दैनिक मंगलवार को रिपोर्ट किया गया। ईरान के बंदरगाह में भारतीय संलिप्तता के संबंध में इस्लामाबाद की चिंताओं को दूर करने के लिए जरीफ की बोली के तौर पर यह कदम देखा जा सकता है। इस बीच ईरानी मंत्री ने भी चीन को निमंत्रण का विस्तार किया। हम पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर TPEC में भाग लेने की पेशकश की थी। हमने पाकिस्तान और चीन को चाबहार में भाग लेने की पेशकश की है। जरीफ, जो पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, नए संस्थान में एक व्याख्यान देते हुए कहा, दैनिक इस्लामाबाद राय ने सोमवार को सामरिक अध्ययन के अनुसार दैनिक भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने 2016 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पाकिस्तान ने पाकिस्तान को छोड़कर 3 देशों और अन्य मध्य एशियाई देशों के बीच एक नया रणनीतिक मार्ग खोला था। नवंबर 2017 में भारत ने चबाहर बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान में पहले गेहूं का पहला माल वितरित किया। पहले ही पाकिस्तानी समकक्ष ख्वाजा आसिफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की थी और व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया था। विदेश मंत्री ईरान के एक बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ईरान और दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए समुद्र और जमीन मार्गों के माध्यम से ग्वादर बंद और चाबहार बंदरगाह को जोड़ा जाना आवश्यक है। हम ऐसा करने के लिए उपाय कर रहे हैं और इसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान के लिए एक निमंत्रण है, जरीफ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि चाबहार बंदरगाह परियोजना का मतलब पाकिस्तान को घेरने के लिए नहीं था। किसी ने गला घोंट दिया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी को अपने इलाके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा, जैसा कि पाकिस्तान अपनी धरती को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। जायफ ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंधों में भारत के साथ ईरान के संबंधों की तुलना की। भारत के साथ हमारे संबंध सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंधों की तरह इस्लामाबाद के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंध ईरान के खिलाफ नहीं है।